अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को हमने स्टडी मटेरियल जो है वो किस तरह से देना है। तो सबसे पहले हमने टीचर के जीमेल आईडी से अपने गूगल क्लासरूम पे लॉगिन किया। ये जो टॉप पे आपको चार नज़र आते हैं इनको कंप्यूटर में टैब्स बोला जाता है। ये आप समझ लें कि डिफरेंट सेक्शन हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और मार्क्स। तो हमने क्लास वर्क में जाना है। क्लास वर्क में हम क्रिएट के बटन पे जाएंगे और इसमें मटेरियल। लेकिन मटेरियल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम टॉपिक क्रिएट कर लें, टॉपिक जो है आप यूँ समझें कि हम एक फहरिस्त बना लेते हैं अपने टॉपिक्स की या अपने मज़ामीन की जो हमने स्टूडेंट्स को कवर करवाने होते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की क्लास में मैं एक टॉपिक एडिट करता हूँ सॉफ्टवेयर का। इसी तरह से मैं दोबारा क्रिएट पे जाता हूँ, एक और टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं। हार्डवेयर, एक और टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं नेटवर्किंग। यूँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टॉपिक्स क्रिएट करने से हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के सेक्शन बन गए। इन सेक्शंस के अंदर हम असाइनमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, इन टॉपिक्स के अंदर हम स्टूडेंट को मटेरियल जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना जो है वो आसान होता है। किसी भी टॉपिक को आप रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका लिंक कॉपी करके किसी को भेज सकते हैं या इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज अच्छा भी लग रहा है। अब हम जाते हैं क्रिएट मटेरियल। मटेरियल के अंदर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर आप मटेरियल देने जा रहे हैं उस मटेरियल का आप टाइटल देंगे। फॉर एग्जांपल, आज मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो मैंने टाइटल में लिखा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टॉपिक की तफसील आएगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विद देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ आप चाहें काफ़ी डिटेल तफसील जितनी भी आप चाहें लिख सकते हैं। ये साइड के ऊपर दाएं तरफ आपको टॉपिक नज़र आ रहा है, ऊपर आपके स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं जिनको आप ये भेजना चाहते हैं। तो टॉपिक में से आप सेलेक्ट कर लें कि ये हमारा सॉफ्टवेयर वाले जो हमने अभी टॉपिक क्रिएट किया था उससे रिलेट करता है, तो मैंने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं बुक का हवाला भी दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डिस्कवरिंग कंप्यूटर्स। इसके बाद मैं स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ कि इसका चैप्टर जो है वो आपने देखना है 3 और पेज नंबर 243 to 350। इसके बाद ऐड के अंदर बिल्कुल असाइनमेंट की तरह आप लिंक शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ। किसी वेबसाइट के ऊपर अगर ये टॉपिक मौजूद है तो आप उस वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वेबसाइट विकीपीडिया के ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ इस सॉफ्टवेयर के टॉपिक को। मैंने लिखा सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑन विकिपीडिया, ये मेरे पास गूगल ने लिस्ट दे दी। मैंने ये वेबसाइट ओपन की। इसके बाद मैंने इसके यूआरएल, इसको हम वेबसाइट का एड्रेस भी बोलते हैं, वेबसाइट का यूआरएल भी बोलते हैं, ये आपने कॉपी किया। कंट्रोल सी दबाने से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर आकर आपके कंट्रोल वी के बटन एक साथ दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, या आप इसको खुद से टाइप करके लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं एक और टॉपिक ले लेता हूं, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है एड्रेस बार में। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इधर आकर लिंक में मैं पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर अगर आपको याद है वेबसाइट का एड्रेस या यूआरएल तो आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने दो वेबसाइट्स के लिंक दे दिए। गूगल ड्राइव के ऊपर मैं किसी और वीडियो में डिटेल डिस्कशन करूँगा। इसके बाद हम आते हैं यूट्यूब के ऊपर। मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो अच्छी लगी जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे थी, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने पास सेव करके रखा होगा। मैं वो यहाँ से कॉपी करता हूँ नोटपैड से और यहाँ आकर उस यूट्यूब की वीडियो का यूआरएल पेस्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके, वो वीडियो भी हमारी यहाँ आ गई।
और मैंने ऐड कर दिया तो हमारी ये यूट्यूब की वीडियो भी ऐड हो गई। इसी तरह से आपके कंप्यूटर पर अगर कोई फाइल मौजूद है तो आप उसको भी कर सकते हैं। आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम माई कंप्यूटर, मैंने कुछ फाइलें पहले से बना के रखी हुई हैं। आप चाहें अपने नोट्स अगर आपके पास हैं, आप उनकी पिक्चर्स मोबाइल से लेकर या कैमरे से लेकर कंप्यूटर के अंदर जो है उनको कॉपी करके और वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। देखिए मैंने एक तस्वीर यहाँ पर अटैच कर दी, ये लिखी हुई आ रही है, अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ये हमारे कंप्यूटर से चली जाएगी गूगल क्लासरूम में। इसके बाद मैं ऐड करता हूँ एक और फाइल, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ मैं एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने पहले से रखी हुई है और इसको भी अपलोड कर दूँगा। तो हमने दो तस्वीरें अपलोड कर दी, इसी तरह से एक और कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई पीडीएफ फाइल या कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन कुछ भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पीडीएफ फाइल जो है वो ऐड कर दी। इसी तरह से मैंने फ़र्ज़ कर लें अपने नोट्स की कोई पिक्चर बना के रखी हुई है, मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद आप इसको चाहें तो पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं, जब आप स्केड्यूल करेंगे उसी टाइम पे पोस्ट शेयर हो जाएगी स्टूडेंट से या अभी पोस्ट कर दें। तो ये हमने पोस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर वाला जो हमने टॉपिक बनाया था उसके नीचे हमारे पास जो हमने आज का टॉपिक था वो आ गया। स्ट्रीम पे जाएं तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी आ जाएगी कि मसन टीचर पोस्टेड न्यू मटेरियल इन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के पास ये किस तरह से आएगा। तो मैं स्टूडेंट के लॉगिन पे जाता हूँ, या स्टूडेंट की आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो स्टूडेंट के क्लास वाले मेन स्क्रीन पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसको अनाउंसमेंट मिल रही है कि टीचर ने मटेरियल पोस्ट किया है। जब स्टूडेंट क्लास वर्क में जाएगा तो वहाँ पर उसको सॉफ्टवेयर का एक टॉपिक मिलेगा और उसके अंदर वो जब ये हमने उसको शेयर किया था मटेरियल वो सारा मौजूद है। वो भी मटेरियल के ऊपर क्लिक करेगा, स्टूडेंट चाहे तो वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, जैसे ही तो उसके ब्राउज़र के अंदर वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी वेबसाइट पे क्लिक कर सकता है, अगर वो वीडियो पे क्लिक करता है स्टूडेंट यूट्यूब वहीं ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और उस वीडियो लोड हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट जो है वो उसको प्ले करके देख सकता है। इसी तरह से वो पिक्चर देखना चाहे वो देख सकता है, जिस भी मटेरियल के ऊपर स्टूडेंट क्लिक करेगा वो उसके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरह की हमने शेयर की, ये हमने कुछ नोट्स की पिक्चर बना के रखी थी वो हमने यहाँ पर शेयर कर दी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये था हमने किस तरह से स्टूडेंट के साथ मटेरियल या स्टडी से रिलेटेड नोट्स वगैरह शेयर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मज़ीद गूगल क्लासरूम को। तब तक अल्लाह हाफिज़।